हम भारत यूनियन में अलग राज्य गोरखाओं के लिए बनना चाहिए। जो गोरखा देश में 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, लगभग 1.5 करोड़, और हमारा गोरखा देश के विभिन्न प्रांतों में है। और उसके लिए जो हमें हमारा जो प्रॉब्लम है कि हम लोग को चेहरा देखने से नेपाल से आए हुए ऐसे पूछता है, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको, हाँ जो बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, और हम लोग को उसको जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देश का एक प्रावधान है, संविधान ने जो एक प्रावधान दिया है कि एक अलग राज्य बनना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। अच्छा, इसीलिए हम लोग देश का एक भाग जो बंगाल में अभी हम लोग रह रहे हैं, मैक्सिमम गोरखा, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, तराई एंड डुअर्स, उसको अलग करके एक हमको एक अलग राज्य बनना चाहिए। लेकिन आप जाति भेष और वेशभूषा कल्चर पर कैसे मांग सकते हैं? नहीं नहीं, ये तो क्या है ना, जब इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, उससे पहले हम इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद में जाति हिसाब से, भाषिक हिसाब से अपना अपना राज्य दे दिया, जैसे बिहार को बिहार, उड़ीसा को उड़िया, हम बंगाल, बंगाली को बंगाल दिया, पंजाबी को पंजाब दिया, तमिल को मद्रास दिया, इसीलिए वो लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि आपको एक उदाहरण बता दूँ, कोई दिल्ली में एक बंगाली भाई को देखने से वो उसको बांग्लादेश से आया नहीं बोलता है, हाँ, कोई एक पंजाबी को देखने से पंजाब से आया हुआ नहीं बोलता है, कोई एक तमिल को देखने से श्रीलंका से आया हुआ नहीं देखते, लेकिन हम लोग यहाँ के रहने वाला इंडियन गोरखा को जब देखने से वो नेपाल के बोलते हैं। ये हमारा प्रॉब्लम्स है, ये नेशनल जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, और ये इसके लिए हम लोग अपना राज्य चाहिए। अच्छा, वो वेस्ट बंगाल में आता है दार्जिलिंग, तो वहाँ रहने से क्या दिक्कत आ रही है? नहीं नहीं, वहाँ रहने से तो दिक्कत इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं कि जैसे हम लोग को वहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम से हम लोग डिमांड नहीं कर रहे, हम दार्जिलिंग में रह रहे हैं, और दार्जिलिंग में रहने से हमको सब कुछ हमको सुविधा मिलेगा ऐसे नहीं है, हमको दूसरा स्टेट में भी जाना पड़ेगा, जैसे कि कितना काम के लिए हम लोग दिल्ली आना पड़ेगा, कितना काम एजुकेशन के लिए हम लोग साउथ जाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट के लिए हम दूसरा जगह जाना पड़ेगा, लेकिन दूसरे जगह जाने से हमको दूसरा ट्रीट होता है, इंडियन नेशनल का ट्रीट हमको नहीं मिलता है, बाहर का ट्रीट हमको मिलता है, भारतीय होने का आपको सबूत देना पड़ता है, सबूत आपको माना नहीं जाता, हमको माना नहीं जाता। अच्छा, एक चीज़ पूछूंगा, 1 लाख गोरखा के नाम में नाम कटे असम में, ठीक है, तो आपको भी डर है कि कहीं आपका नाम वहाँ NRC में कट जाए, बंगाल में भी NRC लाने वाले हैं? नहीं, असम के NRC में जो जितना 1 लाख गोरखा का नाम कटा हुआ है, इसके हम दुख है। अच्छा, उसको वो गोरखा का सपोर्ट में हम लोग है, उसको सभी को NRC में, NRC के अंदर में रहना चाहिए, हम ये मांग करता है, लेकिन बंगाल में NRC अभी तक लागू नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक उसका इश्यू हमारे पास अभी आए नहीं हुए। हम यहाँ पर है 1 पॉइंट एजेंडा, हमको एक स्टेट चाहिए, स्टेट होने के बाद में हमारा जो असेंबली बनता है, लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है, हम अपना अधिकार उसी हिसाब से हम फॉलो करेंगे। देखिए, मेडिकल में जैसे कि आपको अभी तक मेडिकल नहीं बना है, जो मेडिकल बना हुआ है वो सबसे पहले बना हुआ था वो पहाड़ का था, नहीं अभी उन लोगों ने क्या किया, बंगबंधु ने क्या किया, सिलगढ़ी में बनाए, उन लोग को फायदा पहुँच रहा है कि नहीं। और ऐसे देखिए IAS IPS जितना भी इंजीनियरिंग है वो सब कुछ नहीं है, कुछ व्यवस्था ठीक नहीं है, सब 72 सालों में भारत का जो आज़ाद हुए, इसीलिए हमको एकदम से ज़रूरी है कि हम अलग हो, अलग राज्य मिले, अलग राज्य, क्योंकि हमारा जो यह ना 1905 साल से लेकर के ये जो दार्जिलिंग था भागलपुर में बिहार में था, फिर क्या किया 2011 में इधर में बंगाल में डाल दिया, इसलिए हम लोग गोरखाओं को पहचान के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस जो है हम लोग गोरखा लेना चाहते हैं, गोरखा ये अभी का मांग नहीं है, 1907 साल से मांग है ये हम लोग का।